दोस्तों, ये बात तो आप भी मानते होंगे कि दुनिया में मौजूद हर एक चीज का कोई ना कोई सेंटर यानी केंद्र जरूर होता है। जैसे एटम का सेंटर होता है न्यूक्लियस, सोलर सिस्टम का होता है सूर्य, वही गैलेक्सी का सेंटर होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि हमारे ब्रह्मांड का भी कोई एक सेंटर होना चाहिए? तो क्या इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई पॉइंट है जिसे हम इसका केंद्र मान सके? और अगर ये है तो ये पॉइंट कहाँ है, और अगर ये नहीं है तो ऐसा होना क्या मुमकिन है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पृथ्वी में रह रहे कई लोगों को ऐसा लगता है कि ओक्लाहोमा में ये जो सर्कल है वो यूनिवर्स का सेंटर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके केंद्र में खड़े रहकर अगर कोई कुछ बोले तो उसे उसकी आवाज तो सुनाई देगी, लेकिन वही आवाज बाहर कोई नहीं सुन पाएगा। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात को गलत साबित कर दिया। इसके बाद ये सवाल वही का वही रहा कि ब्रह्मांड का केंद्र आखिर है कहाँ? दोस्तों, इसका जवाब जानने से पहले आइए ये समझें कि हम जब ब्रह्मांड शब्द कहते हैं तो इसके दो मायने निकलते हैं। पहला, पूरा ब्रह्मांड, और दूसरा, ऑब्जर्वेबल यानी देखने योग्य ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये अनंत है या इसका कोई अंत भी है, इसका जवाब अब तक कोई नहीं जान पाया। वही बात ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की करें तो ये ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जहां से अब तक प्रकाश हम तक आया है। ठीक वैसे ही अगर हम एज ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आखिरी छोर के बारे में बोल रहे हैं। चलिए तो अब यूनिवर्स का सेंटर ढूंढने की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वैसे ये कहानी तो काफी पुरानी है, जो करीब 150 CE से ही शुरू हो गई थी, जब पहली बार एक अलेक्जेंड्रियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन टॉलमी ने जियोसेंट्रिक मॉडल को प्रस्तावित किया था। इस मॉडल के मुताबिक हमारी पृथ्वी ही पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है। सारे ग्रह और सूर्य जिसके चारों ओर घूमते हैं, और वो तारे जिनको हम रात में देखते हैं वो हमारे ग्रहों के बाद आते हैं। हम ये बात जानते हैं कि ये मॉडल सही नहीं, तो उस वक्त आखिर क्यों बिना किसी सबूत के लोगों ने इसे सही मानकर अपनाया? माना जाता है कि ये वो दौर था जब लोगों में साइंटिफिक सबूतों की ज्यादा जानकारी नहीं हुआ करती थी, और वे धार्मिक बातों को मानकर उसे अपने जीवन में अमल करते थे। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में धार्मिक भावनाएं फल फूल रही थी, और धर्म को प्रमोट करने वाले मुखिया हर तरफ उनका दबदबा हुआ करता था, जो बड़े समुदाय की अगुवाई कर रहे थे। इस मॉडल के मुताबिक ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, और उसके चारों तरफ ग्रह और सूर्य हैं, और उसके चारों ओर तारे। इन सब के बाद जो जगह बच गई वहाँ लोग अपने मुताबिक स्वर्ग या नर्क की जगह तय कर सकते हैं। यानी ये मॉडल किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहा था। शायद इसीलिए लोगों को इस मॉडल को मानने में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जो इस मॉडल को नहीं मानते थे, सोचिए उनके साथ क्या हुआ? सजाए मौत। जी हाँ, निकोलस कॉपरनिकन मॉडल के मुताबिक सूर्य केंद्र में था और बाकी ग्रह उसके चारों तरफ घूमते थे। लेकिन अफसोस, ये मॉडल दुनिया के सामने लाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। वही जिन लोगों ने उनके इस मॉडल का समर्थन किया, मानो जैसे उन्होंने अपनी मौत को ही दस्तक दी। 1600 के दशक में फिलोसोफर और कॉस्मोलॉजिस्ट जियोर्डानो ब्रूनो ने जब इस मॉडल को प्रमोट करने की कोशिश की तो उन्हें सबके सामने जिंदा जला दिया गया। वही गैलीलियो के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, जिन्हें ये प्रमोट करने के बदले उम्र भर के लिए अपने ही घर में नजर बंद कर दिया गया था। लेकिन हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए गैलीलियो और न्यूटन का, जिन्होंने टेलीस्कोप बनाकर दुनिया के सामने सच्चाई लाने का काम किया। लेकिन अब जो हम जानते हैं वो भी पूरा सच नहीं है। दोस्तों, हम अब भी ये नहीं जानते कि हमारे ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है।
एस्ट्रोफिजिक्स की दुनिया में इस पर काम कर रहे कुछ वैज्ञानिक अब एक नया बॉम्ब ब्लास्ट वाला मॉडल लेकर सामने आए हैं, जिनका मानना है कि बॉम्ब ब्लास्ट को रिकॉर्ड कर अगर उसे उल्टा प्ले करें तो हमें ब्लास्ट का एपिसेंटर यानी उसके शुरुआत का पता चल जाएगा। ऐसे में इस उदाहरण को अगर बिग बैंग के साथ जोड़े तो ऐसा कह सकते हैं कि सारी गैलेक्सीज बिग बैंग के विस्फोट से निकले हुए पार्टिकल्स हैं। अगर हम रिवर्स में उन्हें ट्रेस करें तो हमको ब्रह्मांड का केंद्र मिल जाएगा। कुछ लोग तो इस बात को गलत मानते हैं। उनके मुताबिक ब्रह्मांड में एक तय वक्त में कई पॉइंट्स का अस्तित्व था और जैसे जैसे हमारे यूनिवर्स का विस्तार होता गया इन पॉइंट्स के बीच की दूरी बढ़ती गई। लेकिन वक्त में पीछे जाने पर हमें इनके बीच की दूरी घटती दिखेगी जो एक वक्त में बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वो एक पॉइंट की तरह दिखेगी। लेकिन असल में यहाँ कई पॉइंट्स होंगे। इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यहाँ कोई भी नया पॉइंट न तो बन रहा है और न ही खत्म हो रहा है, यहाँ बस उनके बीच की दूरी बदल रही है। इसीलिए ये कहना सही नहीं होगा कि ब्रह्मांड सिर्फ एक पॉइंट पर बना और इसका विस्तार होता गया। हमारा ब्रह्मांड ऐसे स्टेट में शुरू हुआ जहाँ पहले से ही कई पॉइंट्स मौजूद थे जो ब्रह्मांड के विस्तार के साथ समान रूप में फैलते गए। ऐसे में जब ऐसा कोई पॉइंट था ही नहीं जहाँ से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, तो इसी वजह से इसका कोई केंद्र ही नहीं है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल मूड हिंदी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।